लिक्विड स्केल के साथ तो उसके कंपैरिजन में ये स्केल उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इस स्केल को डेवलप करने के में आपका जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है एंड दिस स्केल इज फॉर सिचुएशंस व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन समथिंग विद मेनी ऑर्डिनल आस्पेक्ट्स बट वुड लाइक अ मैयर दैट कम्बाइनज आल इंफॉर्मेशन इंटू आ सिंगल इंटरवल लेवल कॉन्टीन हम इसमें जो हमारा बेसिक एम्फिस होता है कि हम एक जो वेरिएबल है उसके जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं उनको एक सिंगल लेवल कॉन्टिनेम में ले आए और उसको जो है फिर हम एक ऑर्डिनल शेप में देखें कि उसकी जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो कैसे इंटरप्रेट होती हैं तो थर्स्ट ऑन स्केलिंग में जो है वो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये एट स्टेप प्रोसीजर है और इसके लिए जो रिनाउंड मेथड ऑफ़ डेवलपिंग थर्स स्केल है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल्स तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है इसमें फर्स्ट स्टेप में हम किसी भी जो हमारा वेरिएबल अंडर स्टडी है उसके लिए वी डेवलप आ लार्ज सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग पर्सनल एक्सपीरियंस द पॉपुलर एंड प्रोफेशनल लिटरेचर एंड स्टेटमेंट्स बाय अधर जैसे आप लोगों की ओपिनियन टू वर्ड्स डेथ पेलंटी मैयर करना चाह रहे हैं तो आप जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे जो एकेडमिक लिटरेचर अवेलेबल है उसकी बेसिस पे और जो दूसरी आपको स्केल्स अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे एक पूल ऑफ स्टेटमेंट्स बनाएंगे टू मैयर ओपिनियन टू वर्ड्स डेथ पेलेंटी और वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो दो चार नहीं होंगी बल्कि वो ज्यादा होंगी वो और वो हंड्रेड हो सकती है हंड्रेड एंड ट्वेंटी हो सकती है और एटी हो सकती है अब स्टेप टू क्या होता है थर्स टर्म स्केलिंग में के यू एक्चुअली प्लेस ईच स्टेटमेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड एंड और शीट ऑफ पेपर एंड मेक हंड्रेड सेट आप उसके हंड्रेड सेट्स डेवलप कर लेते हैं हर स्टेटमेंट को एक अलहदा कार्ड या शीट पे लिख के एंड यू लिकेट हंड्रेड एज हुज आप अब उन स्टेटमेंट्स पे लोगों की ओपिनियन लेने के लिए सो लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कहते हैं कि वो एज अ जज इन स्टेटमेंट्स को रेट आउट करें तो और आप उन्हें जो है एक सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स दे देते हैं यानी वो आप उनको हंड्रेड कार्ड्स दे देते हैं जो आपने हंड्रेड स्टेटमेंट्स बनाई हैं और उन्हें कहते हैं कि वो एक अलेवन सेट ऑफ बॉक्सेस है उनके सामने रख दिया जाता है कि Uh, जिसमें uh, उन्हें रेट करना होता है फ्रॉम हाईली फेवरेबल टू हाईली अनफेवरेबल तो हाईली अनफेवरेबल को हम कोड करते हैं वन और हाईली अनफेवर फेवरेबल को हम कोड करते हैं अलेवन यानी uh, एक स्टेटमेंट को वन टू अलेवन उन्हें रेट आउट करना होता है हर जज को तो स्टेप फोर में क्या होता है कि जो जजेस हैं जो कि वो रिस्पोंडेंट्स हैं जो हंड्रेड उनमें से एक एक शख्स जो है वो आ, हर स्टेटमेंट को पाइल आउट करता है उस ग्यारह बॉक्सेस में फॉर इंस्टेंस जज वन है जो उसने आ, जो है स्टेटमेंट वन को पाइल आउट किया है सेकंड में और जज, जो जज टू है उसने वही सेम स्टेटमेंट पाइल आउट की है आ, बॉक्स वन में और जज थ्री ने फिर वही स्टेटमेंट पाइल आउट की है टू में और जज फोर ने वो स्टेटमेंट फाइल आउट की है थ्री में इस तरह ये प्रोसेस चल आ, चलता रहता है कि जब तक वो हंड्रेड जो पर्सनस हैं वो तमाम स्टेटमेंट्स को अलेवन बॉक्सेस में पाइल आउट कर दें अब आप वो पाइल्स इकट्ठी कर लेते हैं जजेस से और उसका एक समराइजिंग चार्ट बनाते हैं कि एक स्टेटमेंट को आ, किस किस आ, जो है न, Uh, uh, जो है बॉक्स uh, में पाइल आउट किया गया यानी uh, uh, जो है स्टेटमेंट वन वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एट नंबर वन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एट नंबर टू थ्री फोर फाइव टू अलेवन तो फॉर एग्जांपल uh, उसमें जो क्वेश्चन वन है उसकी एवरेज निकल रही है वन और जो क्वेश्चन थ्री है उसकी एवरेज निकल रही है फ़ाइव तो इसमें जितनी एवरेज लो होगी यानी जिसका मीडियन लो होगा उतना ही उसमें हाई एग्रीमेंट होगा यानी ज़्यादा लोगों ने एग्री किया है कि वो उस जो है लेवल पे उसकी जो है स्टेटमेंट होनी चाहिए यानी जितनी वैल्यू तो मिनिमम होगी उतना एग्रीमेंट ज़्यादा होगा और जितनी मीडियन की वैल्यू जो एवरेज वैल्यू है वो हाई होगी उसका मतलब है उसमें एग्रीमेंट कम है तो हम वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं अपने स्केल में जिनका एग्रीमेंट ज़्यादा होता है जैसा कि यहाँ पे आपको एक चार्ट में दिखाया जा रहा है कि वन टू थ्री फोर स्टेटमेंट्स हैं और जो है उसमें से देखा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट वन है ट्वेंटी थ्री पीपल ने कहा है कि ये अनफेवरेबल है और जो है सिक्सटी पीपल ने कहा है कि ये सेकेंड लेवल पर है इसी तरह अगर हम स्टेटमेंट टू uh, देखें तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन है फिर हम इसी तरह अगर हम देखें आपकी स्टेटमेंट uh, थ्री तो उसमें भी वेरिएशन ज़्यादा है स्टेटमेंट फोर में अलाट ऑफ पीपल सिक्सटी टू पीपल रैंकड एज अ थ्री तो इसमें फिर uh, जो है मीन uh, या, यानी मीडियन वैल्यू जो है वो टूवर्ड्स वर्ड्स लो स्कोर होगी तो इस तरह हम uh, जो है जो स्टेटमेंट्स इनकी मीडियन वैल्यू कम होती है उनको कलेक्ट कर लेते हैं फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो है बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज अगर 80 स्टेटमेंट्स थी तो हम उसमें से वो 20 या 15 स्टेटमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे जिनकी मीडियम वैल्यू जो है वन टू थ्री के करीब होगी तो जैसे कि ये स्टेप सेवन में आपको बताया गया है कि हम फाइनल ट्वेंटी स्टेटमेंट कलेक्ट कर लेंगे अपना स्केल डेवलप करने के लिए और उन ट्वेंटी स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन एयर बना लेंगे जिससे फिर हम लोगों से पूछेंगे कि वो इससे या कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं मैंने आपको ये स्टेटमेंट्स की एग्जाम्पल दिखाई है फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू सी द ओपिनियन ऑफ द पीपल टूवर्ड्स डेथ पेनल्टी तो स्टेटमेंट uh, वन है आई थिंक दैट द डेथ पेनल्टी इज़ क्रूअल एंड अननेसेसरी पनिशमेंट स्टेटमेंट uh, जो नेक्स्ट uh, स्टेटमेंट है वो है विदाउट द डेथ पेनल्टी देयर विल बी मेनी मोर वायलेंट क्राइम्स तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो इसमें से हो सकता है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक ही आ, आ, जो है वो पूल में सेलेक्ट हो जाए या दोनों ही सिलेक्ट ना हो आई बिलीव दैट द डेथ पेनल्टी शुड बी यूज ओनली फॉर अ फ्यू एक्सट्रीमली वायलेंट क्राइम तो हो सकता है इन तीनों में से इन तीन स्टेटमेंट्स में ज्यादा लोग इस आ, के साथ जो है एग्रीमेंट शो करें और आ, जो फर्स्ट टू है उनके साथ डिसएग्री करें तो आ, जिसकी आ, जो है मीडियन वैल्यू कम होगी आ, जो स्केल में है वही स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड होगी थर्स्ट ऑन स्केलिंग की अगर हम बात बात करें तो दिस स्केल इज फॉर सिचुएशंस व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन समथिंग विद मेनी ऑर्डिनल आस्पेक्ट बट वुड लाइक आ मैयर दैट कमाइज ऑल इन्फॉर्मेशन इन टू अंगल इंटरवल लेवल कॉन्टीनम तो इसमें हमारे पास डिफरेंट आस्पेक्ट होते हैं जैसे ये वेरिएबल आपको मैंने बताया एटीट्यूड टूवर्ड्स डेथ पलेंटी और ओपिनियन टूवर्ड्स डेथ पेलेंटी इसको हम देख सकते हैं कि प्रोफेशनल्स का क्या है आ, फिर लॉयर्स का क्या है वो मैंने इसके बारे में कैसे सोचती हैं तो हम उनको फिर डिफरेंट लेवल पे मैय कर सकते हैं इस थर्स्टन स्केलिंग का जो सबसे जो है डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है वो ये होता है कि इसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना उसके लिए आपको बड़ी एडवांस लेवल की जो है स्किल्स चाहिए हम इसकी सिंपल आ, फ्रिक्वेंसी आ, रिपोर्ट नहीं कर सकते परसेंटेज रिपोर्ट नहीं कर सकते बल्कि इसके लिए आपको एडवांस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर होती हैं और उसकी बेसिस पे ही हम एनालिसिस कर सकते हैं तो इस वजह से आ, हमारे यहाँ सोशल साइंसेस में इसका इस स्केल का जो यूज़ है वो कंपैरेटिवली कम है और लिक्विड स्केल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है